रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं और आज से हम अपने पहले हफ्ते की दोहराई का आगाज़ करेंगे और इसमें हमारा पहला सबक जो है वो हम्द है। और आइए हम हम्द की थोड़ी सी तारुफ के बारे में चलते हैं। हम्द का मतलब है ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, उसे हम हम्द कहते हैं। और इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज के मायने हैं, पहले वो देख लें। खुशनुमाई, खूबसूरती, निराली, अनोखी, हिकमत, दानाई, चटकना, कली का खिलना, फुदकना, उछलना, कूदना, इतर, खुशबू, मेवे, फल, नादिर होता है उम्दा, कीमती, कवी, ताकतवर, कादिर, कुदरत रखने वाला। महक का मतलब होता है खुशबू। चहक होता है परिंदों का खुशी से झूमना, उसको हम चहकना कहते हैं। कहते हैं ना परिंदे जो हैं खुशी से चहक रहे हैं, झूम रहे हैं। अब मैं आपको इसके उस मरकज़ी ख्याल और मफहूम के बारे में बताती हूँ। आपने सब जो है वो इसकी रीडिंग बाकायदा ख़ुद करनी है सारी। एक दफ़ा रीडिंग करें और इसका मरकज़ी ख्याल आप लोग सुन लें कि अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ जो है वो बहुत ही इस नज़म शायरी इस्माइल मेरठी ये कह रहे हैं कि अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ खुशनुमा और ख़ूबसूरत है और अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ बनाई है वो बेमकसद और बेकार जो है वो नहीं बनाई, बल्कि हर चीज़ को बनाने का कोई ना कोई मकसद है। और इसके अलावा अल्लाह ताला की कुदरत से ही बागों में जो है वो फल फूल खिलते हैं, ये भी अल्लाह ताला की हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। और अल्लाह ताला ही जो है वो दिन को सूरज की रोशनी से रोशन करता है और रात को जो है वो चाँद और सितारों से रात को पुर रौनक बनाता है। और इसके अलावा इसमें ये है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर, अल्लाह ताला बहुत ही ताकतवर है, हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है और अल्लाह कोई भी चीज़ जो है वो अल्लाह ताला की कुदरत से खाली नहीं है। ठीक है, ये तो इसकी होगी मरकज़ी ख्याल हो गया। उसके बाद हम इसकी मशक की तरफ चलते हैं। इसमें आप इसके आंसर सुन लें। एक दफ़ा हम किस नज़म को कहते हैं, ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। अब उन्होंने कहा है हमद में अल्लाह ताला की कोई सी दो नेमतों का जिक्र करें। अब इस नज़म में तो अल्लाह ताला की बहुत सी नेमतों का जिक्र हो, आप इनमें से कोई सी दो का कर दें। ठीक है, जैसे तारों भरी रात हो गई, ये सारा। फूलों को इतर में बसाने से क्या मुराद है, फूलों को इतर में बसाने से का मतलब ये है फूलों में खुशबू पैदा करना। कवियों कादिर का क्या मतलब, कवि का मतलब होता है ताकतवर, कादिर का मतलब होता है कुदरत रखने वाला, मतलब अल्लाह ताला हर बहुत ही ताकतवर और हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। फिर आपने इसकी ये MCQs देखने हैं एक्सरसाइज के, मशक के, और ये मायने मैंने आपको बता दिए हैं। अल्फाज मुतसाद जो कि आपकी नोटबुक पे करवाए गए हैं, आपने इनको अच्छी तरह याद करना है। सफाई, नादिर, सफाई और ज़ाहिर और रात। इसके अलावा जो है ये कुछ खाली जगह दी हुई है, खाली जगह को आपने करना है। खुशनुमाई ये देखें, सफाई जिसके मुतजाद आप एक दफ़ा सुन लें। सफाई होता है गंदगी, नादिर होता है आम, कीमती में इसका मतलब होता है ना, तो इसका आम आ जाएगा। ज़ाहिर पोशीदा हो गया, रात दिन, ये इसके मुतजाद अल्फाज हैं। और नेक्स्ट आपने ये जो है इनके मिसरे मुकम्मल करने हैं, फिर आपने ये जुमले बनाने हैं और जुमले आपने कोशिश करनी है कि सबके अलग अलग होने चाहिए, कॉलम मिलाएँ। और एंड पे मैं आपको जो है वो इसम नकरा की कुछ ग्रामर का एक हिस्सा दिया हुआ, इसम नकरा और इसम मारफा। इसम नकरा ऐसे इसम को कहते हैं जो किसी आम शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो, जैसे दरख्त हो गया, आदमी हो गया, दरिया, पहाड़, कोई भी आप पहाड़ का नाम ले लें, लड़का हो गया। अगर आप इनका स्पेसिफिक नाम लेंगे तो वो इसम मारफा कहलाएगा। ये है इसम मारफा, किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम मारफा कहते हैं। और इसम मारफा जैसे हम कहते हैं दरियाए रावी, अब दरिया का एक स्पेसिफिक नाम है रावी, तो ये इसमें रावी जो होगा वो इसमें इसम मारफा है। अब नीचे कुछ उन्होंने एक लिस्ट दी हुई है जिसमें से आपने इसम मारफा और इसम नकरा अलग अलग करने हैं। कलम है मरी, अब कलम भी जो है वो इसम नकरा है, मरी इसम मारफा है क्योंकि एक ख़ास शहर का नाम है। मस्जिद इसम नकरा है, कायदे आज़म इसम मारफा है, लड़का इसम नकरा है, दीवारे चीन इसम मारफा है, समंदर इसम नकरा है, शहर इसम नकरा है, इस्लामाबाद इसम मारफा है और सरफराज इसम नकरा है। ठीक है, सरफराज किसी का भी कोई नाम, बल्कि इसम मारफा में आएगा क्योंकि ये ख़ास नाम है। ठीक है, आपने ये कोई भी आप इनकी मिसालें अच्छी तरह याद करें। अब कल के लिए आपका जो होमवर्क होगा,
आपने ये करना है कि आपने सारा जो आपका पहला हफ़्ता है उसको अच्छी तरह रिवाइज़ करना है, उसको याद करना है, पूरी हमद के आपने अल्फाज मायनी देखने हैं, उसकी तशरीह को देखना है जो कि आपको नोटबुक पे करवाई गई है, वो आपने अच्छी तरह जो है वो सारी चीज़ याद करनी है। और इसके अलावा आपका एक ख़त भी है जो आपके पहले हफ्ते में दिया गया है, ये मैंने उसका पैटर्न बनाया है। पहले आप देखें, पहले आप इम्तिहानी मरकज़ लिखें, उसका लिखने का तरीका देख लें कि आपने उसमें लिखना क्या है। इम्तिहानी मरकज़, उसके बाद डेट लिखें, डेट आपने इसी तरह लिखनी है जैसे मैंने लिखी हुई है 8, उसके बाद डैश डालें, फिर जून, और फिर आप मुहतरम प्यारे चचा जान या मुहतरम लिखें या प्यारे लिखें, दोनों में से आप कोई भी उसको लकब दे सकते हैं। और नेक्स्ट अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, फिर मैं खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत नेक मतलूब है आएगा, हूँ नहीं आएगा। फिर आपने ये सारा उसमें नफ़से मज़मून लिखना है कि आपने इम्तिहान में बहुत अच्छे नंबर लिए हैं, आप आला नंबरों से पास हुई हैं और आप को आपके चचा जान ने एक बहुत कीमती तोहफ़ा दिया। तोहफ़े में आप कंप्यूटर लिख सकती हैं, घड़ी लिख सकती हैं, किताब लिख सकती हैं, डायरी लिख सकती हैं, कलम लिख सकती हैं, कोई भी आप उसमें जो है वो लिखें कि आप वो तोहफ़ा आपके लिए बहुत अहमियत रखता है, बहुत कीमती है, या आपको उस तोहफ़े की बहुत ज़रूरत थी। और उसके अलावा फिर आप नीचे आपने लिख देना है, मेरी तरफ़ से सब घर वालों को सलाम, वस्सलाम आपकी भतीजी या भतीजा अली बेजी। ये आपका खत लिखने का तरीका है, या आप इसको चाहे नोट कर लें और कल की आपकी डायरी जो मैंने आपको बता दी वो आपने कल से अच्छी तरह इसको याद करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।